शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। कांग्रेस, भाजपा के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी ताल ठोक दी है। आम आदमी पार्टी के 13 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर के साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ढोल नगाड़ों के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां पर सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आम आदमी पार्टी ने अन्य वार्डों में भी अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि 13 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। आम आदमी पार्टी 34 वार्डों में भी अपने उम्मीदवार उतार रही है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में कांग्रेस और भाजपा ही राज करती आई और यहां पर लोग इनकी नीतियों से दुखी हैं और शहर की जनता को इस बार तीसरा विकल्प दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में पानी की समस्या का समाधान इतने सालों में ना तो कांग्रेस कर पाई और ना ही बीजेपी कर पाई। इसके अलावा पार्किंग की भी बहुत बड़ी समस्या शिमला में है। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को रोकने का काम भाजपा द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी रुकने वाली नहीं है। आम लोगों का समर्थन पार्टी को मिल रहा है और नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करेगी। एनएम लाइव की खास रिपोर्ट।